एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित लाड़पुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने चंद्रपाल को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2000 की आबादी एवं 1840 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 255 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 220 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 38 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 8 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 50 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 8 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 8 सीसी टाइल्स, 2 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, पुलिया व प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने 16 सीसी टाइल्स रोड, 3 खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 122 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान विकास खंड भोजपुरा ग्राम लाड़पुर से बोल रहा हूँ। मैंने गांव में 8 सीसी तथा 2-3 खड़ंजे तथा 1 स्कूल बाउंड्री और गांव के नरेगा के काम कार्य बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ होने को रह गए हैं। आज तक हमारे गांव में कोई शौचालय नहीं है, जबकि कई बार शौचालयों की सर्वे की गई, जांच हुई, हर वक्त जांची होती रहती है, मगर कोई शौचालय हमारे गांव के लिए नहीं आया। और गांव वाले कहते हैं कि प्रधान जी क्या है शौचालय, क्या आपने पैसा लेके शौचालय बंद करा दिए हैं। गांव की ऐसी वो है नीति जो प्रधानों पर ऐसा शिकंजा कसे हुए हैं, प्रधानों को आरोप लगाते हैं और वो उन्हें नहीं पता सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो, और जब विकास हमें सरकार कुछ दे ही नहीं रही है तो हम कहां से विकास करवाएं। गांव में बहुत कुछ कार्य होने के लिए हैं और आज प्रधानों को इतना वो किया जा रहा है कि जो सफाई कर्मी हैं जिनका वेतन मानदेय करीब 17-18 हज़ार रुपये महीना है, जो कि प्रधानों के साइन के बगैर उनका वेतन नहीं निकलता है, और आज प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये जो कि 2500 रुपये था बढ़ाकर 1000 रुपये बढ़ाए हैं, और जो 3500 रुपये हुआ है जो कि प्रधान अपनी साइन से सफाई कर्मी का मानदेय साइन करे तो मानदेय मिलेगा, जबकि और जो कोई प्रधान का जो मानदेय है वो केवल 3500 रुपये है, तो सफाई कर्मी से भी वो गिरकर है। प्रधान कहाँ है? वो प्रधान की जो मांगे उठाता है वो कभी आज तक पूरी नहीं हुई। लखनऊ भी गए, कई बार रैलियों में गए, मगर वहाँ कोई भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम सब भाइयों से ये अनुरोध है, प्रधान एक संगठन बनाकर अपने एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका अग्रवाल, प्रधान अध्यापक। हमारे यहाँ 121 बच्चे इन्वॉल्व हैं इस समय आज के डेट में, और खाना ठीक बन रहा है। अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 2 समायोजित शिक्षक और एक